वेलकम टू रमन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग यूनियन बजट 2017-18 एमसीक्यू पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इसे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग अब एमसीक्यू पे चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, वे कौन से दो स्टेट हैं जहाँ एम्स खुलेगा? तो देखिए इसका आंसर होगा झारखंड और गुजरात। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए इसमें केंद्र कौन सा पूछा गया है, तो या ठीक है, महिला शक्ति केंद्र पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मातृ लाभ योजना के तहत गर्भवती महिला के बैंक खातों में सीधे कितना रुपये दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और बच्चों का टीकाकरण कराएगी? ठीक है, तो आंसर होगा 6,000 रुपये देगी। चलिए हम लोग चौथे नंबर पे जाते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखिए, सरकार ने ये सब जो है ये सब सब बीमारियों के ये हैं, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म करेगी। तो देखिए पहला है, 2017 तक कालाजार और फिलोरिसिस ये 2017 तक खत्म करेगी, लेप्रोसी को 2018 तक, अब मिजिल्स को 2020 तक और तपेदिक को 2025 तक। तो इसका आंसर पहला वाला 2017-18-20-25 होगा। ठीक है, पूरी तरह से खत्म करेगी। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी कार्ड शुरू की जाएगी? तो कार्ड का नाम बताना है आपको, तो वो कार्ड है आधार स्मार्ट कार्ड। ठीक है, पहला होगा इसका आंसर। चलिए छठा नंबर पर चलते हैं। छठा नंबर है कि ये देखिए रेलवे बजट के थ्रू, इस बार रेलवे बजट और आम बजट दोनों मिल के आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, छठा नंबर पर चलते हैं। छठा नंबर है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ कौन सा कोष बनाया जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो ये आंसर होगा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए एक्चुअली ये बी नंबर होगा, सॉरी ये बी नंबर होगा, ये है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेबल क्रॉसिंग को कितने ईस्वी तक समाप्त कर दिया जाएगा? तो आपको बताना है कौन सा ईयर तक खत्म कर दिया जाएगा, तो 2020 तक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आठ नंबर पे चलते हैं। आठ नंबर है कि कितने स्टेशनों को लिफ्ट और एस्केलेटर देकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा? तो आपको नंबर ऑफ स्टेशन बताना है, तो ये 500 होगा इसका आंसर, तो ये सी नंबर है। ठीक है, चलिए नौ नंबर चलते हैं। देखिए इंडियन रेलवे एक SMS आधारित एक सेवा शुरू करेगी, उस सेवा का नाम बताना है आपको, वो सेवा क्या है? तो वो सेवा का नाम है क्लीन माई कोच सर्विस, वो SMS आधारित होगी। ये हाँ देखिए, चलिए हम लोग 10 नंबर पे चलते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि भारतीय रेल सभी कोचों में बायो शौचालय कितने वर्षों तक पूरा कर लेगी लगाने का? तो देखिए 2019 तक लगा लेगी, बी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत नेट के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी कितने ग्राम पंचायतों पर उपलब्ध होगी? नंबर बताना है आपको, टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, देखिए 1,50,000 होगा, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब FDI पे क्वेश्चन है। FDI आपको बताना है इसमें से कि ऑटोमेटेड रूट के थ्रू कितना परसेंट FDI अब इंडिया में आएगा? देखिए FDI के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। FDI जो होता है वो दो रूट से आता है, एक ऑटोमेटेड रूट से, एक आपका गवर्नमेंट रूट से। तो देखिए इसमें पूछा है ऑटोमेटेड रूट से कितना परसेंट अब आएगी, इसका आंसर है 90% डी। हाँ चलिए देखिए ये जो स्लाइड में देखिए दो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए इसमें है कि आपको FIPB का काम क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये क्या करती है, जो जो FDI आती है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, ये इसको देखती है, FIB इसको वेरीफाई करती है। तो ये अब इसको खत्म कर दिया गया है।
अब आइदर इसको आरबीआई करेगी या फिर कोई संस्था को गवर्नमेंट देगी इसको, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है सीईआरटी। देखिए सीईआरटी का फुल फॉर्म आपको जानना होगा, ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसका काम होता है कि साइबर सिक्योरिटी और थ्रेट को रोकना, जैसे हैकिंग वोकिंग ये वगैरह रोकती है। तो अब ये फिनेंशियल सेक्टर में भी यूज होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए ऋण लक्ष्य नियत किए जाने का प्रस्ताव रख किया गया है, जो कि दलितों आदिवासी पिछड़े और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बताना है कितने लाख करोड़, 2.44 लाख करोड़। हाँ देखिए ये जो है इस स्लाइड में देखिए भीम एप्स के बारे में है। देखिए भीम एप्स तो आप लोग जाने इससे परिचित तो हो ही गए होंगे, ये गवर्नमेंट जो इस कुछ दिन पहले इसको लॉन्च की थी। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए इसको प्रमोशन के लिए दो नए स्कीम लॉन्च हुए हैं। दो नए स्कीम लॉन्च क्या है, देखिए एक है रेफलर बोनस, दूसरा है कैशबैक। तो रेफलर बोनस जो है वो यूजर के लिए होगा और कैशबैक जो होगा वो टेंडर के लिए होगा। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। हाँ चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना करोड़ आवंटित किए गए हैं, तो यह है 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, आंसर इसका है। चलिए 14 नंबर में चलते हैं। देखिए 14 नंबर है कि रेवेन्यू डिफिसिट कितना है। रेवेन्यू डिफिसिट है आपका 1.9। हाँ देखिए अब 16 नंबर है आपका फिशियल डिफिसिट। देखिए फिशियल डिफिसिट है आपका 3.2। चलिए बी नंबर है। देखिए फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा इनकम से हो जाता है तो फिजिकल डिफिसिट कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्लांट नॉन प्लांट के लिए एक हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से कितने चंदे के रूप में अधिकतम राशि प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो वो 2000 रुपया प्राप्त कर सकती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ देखिए एक पॉइंट और है मेरे पास, इसमें डिफेंस सेक्टर के लिए कितना एलोकेशन इस बार हुआ है। तो देखिए ये है 2,74,114 करोड़, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए आगे स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए ये इसमें देखिए इनकम टैक्स स्लैब है। देखिए इससे एक क्वेश्चन रहते रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो आप लोग इस स्लैब को देखिए, एक चार्ट हम बनाए हैं, तो ये चार्ट पे देखिए दिया हुआ है कि इस बार जो इनकम स्लैब है कि 2.5 लैक्स जो अप टू है, इतना से जीरो जो अमाउंट से लेकर के मिनिमम अमाउंट से 2.5 लाख तक टैक्स नील है, ठीक है। और देखिए अब फिर 3 लाख तक, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन के लिए ये नील है, उसके लिए नहीं लगेगा। अब वेरी सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन अप टू 5 लाख इसको इनको दिया गया है रिबेट, ये भी नील है, इनको भी नहीं लगेगा। अब देखिए अब नीचे में आ जाइए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगेगा। उसके बाद थ्री से सीनियर सिटीजन के लिए 3 से 5 लाख, उसके बाद इसको 5%, और 5 से 10 लाख ये 20% दिया जाए इनको, ये टैक्स लगेगा, ठीक है। अब चलिए 5 लाख से 10 लाख तक जनरल पब्लिक के लिए 20% का देना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन के लिए 5 से 10 लाख का 20%, और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 30% का। अब देखिए एबॉब जो होता है, एबॉब 10 लैक्स वो 30% तक जाएगा, और एबॉब सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख 10%, 30%। चलिए चलिए ये तो रहा इनकम टैक्स स्लैब। अब देखिए ये दो पॉइंट भी है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और हम लोग चलिए आगे के वीडियो में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसे लगा आपको। चलिए फिर अगेन थैंक यू।